नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेन राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो लीवर में होने वाली बीमारी हेपेटाइटिस बी के ऊपर है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड व्यक्ति में लक्षण क्या मिलते हैं, इसको कन्फर्म करने के लिए जाँचें क्या कराई जाती हैं, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश में हेपेटाइटिस बी इतनी कॉमन बीमारी होती जा रही है कि हर साल लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हेपेटाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पहला है हिपेटो जिसका मतलब लीवर से होता है, और दूसरा है आइटिस जिसका मतलब इन्फ्लामेशन से होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर हेपेटाइटिस कहलाती है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण के कारण होती है, जो कि एक तरीके का डीएनए वायरस होता है। ये वायरस हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में बॉडी फ्लूड जैसे कि ब्लड, सीमेन, सलाइवा यह वैज्ञानिक डिस्चार्ज से फैलता है। ये वायरस शरीर के अंदर जाकर आपके लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। लगभग 70% लोगों में ये वायरस थोड़ी बहुत वायरल प्रॉब्लम देता है, उसके बाद उनकी बॉडी इस वायरस को सही से बाहर निकाल देती है। ऐसा उन लोगों के केस में होता है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो लोग इस वायरस से फ्री हो जाते हैं, लेकिन लगभग 30% लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनके अंदर ये वायरस जाकर लीवर को डैमेज करने लगता है और ये वायरस उनके शरीर के अंदर बना रहता है। दोस्तों, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन जल्दी हुआ हो, 6 महीने से कम हुआ हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका इन्फेक्शन एक्यूट हो, तो उनके ठीक होने के चांस क्रोनिक इन्फेक्शन वालों से ज़्यादा होते हैं। इसलिए जैसे ही आपको हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन का पता चले, आप अपना इलाज तुरंत शुरू करवा लें। होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज है और आप सही समय पर सही डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो आपके भी ठीक होने के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने के क्या कारण होते हैं, या फिर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। ये वायरस बॉडी फ्लूइड जैसे कि सलाइवा, ब्लड, सीमेन और वैजाइनल डिस्चार्ज के संपर्क में आने से तो फैलता ही है, इसके साथ साथ इसका इन्फेक्शन और दूसरे तरीके से भी किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए रेजर से, टूथ ब्रश से या नाखून काटने की मशीन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इंजेक्शन लगवाते समय अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति को यूज की गई नीडल से आपको इंजेक्शन लगाया गया है तो ये बीमारी होने के चांस आपको भी बढ़ जाएंगे। जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं उनको हेपेटाइटिस भी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के समय अगर हेपेटाइटिस पॉजिटिव माँ है तो उसके बच्चे में भी इस वायरस के होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप टैटू बनवाते हैं और उस नीडल से संक्रमित व्यक्ति के टैटू बनाया गया हो तो ये इन्फेक्शन होने के चांस आपको भी हो सकते हैं। कभी कभी ये इन्फेक्शन किसी संक्रमित औजार से अनजाने में चोट लगने के कारण भी हो जाता है। दोस्तों, ये वायरस इन सभी तरीकों से आपके शरीर में आ सकता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर के बाहर किसी भी सतह पर लगभग 7 दिनों तक जीवित रह सकता है, और अगर इस बीच कोई इस वायरस के संपर्क में आएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए पेशेंट की यूज की गई चीज़ों को स्टेलाइज करना जरूरी होता है जिससे कि वो वायरस फ्री हो सके। दोस्तों, इसके साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वायरस साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से और एक दूसरे से गले मिलने से नहीं फैलता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी होता है जिससे कि आप अपनी बीमारी को जान पाएं और ट्रीटमेंट करवा सकें। शुरुआती स्टेज में इस बीमारी के पेशेंट में कोई भी सिम्टम नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करके सिम्टम देने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगाता है। इसी कारण इस बीमारी के दूसरों में फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड व्यक्ति को भी लगभग 3 से 4 महीने के बाद सिम्टम आने महसूस होते हैं, और तब तक उस पेशेंट के और लोगों के संपर्क में आने के कारण उसके बॉडी फ्लूइड से दूसरों में इन्फेक्शन कॉज करने के चांस बढ़ जाते हैं। अब अगर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति के लक्षणों की बात करें तो क्योंकि ये वायरस लीवर को डैमेज करता है इसलिए व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, थकान और कमजोरी बनी रहती है। कई बार लोगों को थकान और कमजोरी के कारण अपना रूटीन का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को पीलिया हो जाता है जो कि हेपेटाइटिस बी का काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है, क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं करता है
और ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और स्किन और आंखों का रंग भी पीला होना शुरू हो जाता है। जी मिचलाना और उल्टी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। व्यक्ति के शरीर में दर्द हो सकता है, पेशाब का रंग गहरा लाल या पीला हो सकता है। कभी कभी कुछ केस में लूज मोशन की समस्या भी हो सकती है। पेशेंट के शरीर में खुजली हो सकती है, वजन कम हो सकता है, पेट के राइट साइड में लीवर की तरफ दर्द हो सकता है और सूजन महसूस हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट में मिलते हैं। आपको अपने लक्षणों को पहचान कर तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये वायरस आपके लीवर को डैमेज करके लीवर सिरोसिस कॉज कर सकता है और लीवर कैंसर भी कॉज कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसके कारण पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए घबराएं बिल्कुल नहीं और बगैर देर करें अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लें, क्योंकि समय से ट्रीटमेंट शुरू करवा लेने से आपको इस समस्या में काफ़ी आराम मिल सकता है। अगर पेशेंट का हेपेटाइटिस भी निगेटिव नहीं भी हो रहा है और वो हेपेटाइटिस भी पॉजिटिव भी रहे, फिर भी सही इलाज से वो अपनी नॉर्मल और लंबी लाइफ जी सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि किन किन लोगों को हेपेटाइटिस बी की जांच कराना जरूरी होता है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी के सिम्टम आ रहे हैं तो ये जांच जरूरी होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जिनके घर में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको ये टेस्ट कराना जरूरी होता है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव माँ से पैदा हुए न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये टेस्ट जरूरी हो जाता है। वो लोग जो हाईली एंडेमिक एरिया में रहते हैं जहाँ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा हैं, जैसे कि चाइना, जापान, ताइवान और हांगकांग, या फिर जो लोग ईस्टर्न यूरोप और साउथ अमेरिका में रहते हैं उनको हेपेटाइटिस बी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये सभी कंट्री हाईली एंडेमिक होती हेपेटाइटिस बी के लिए। इसके साथ में वो लोग जिनको इंजेक्टेबल ड्रग लेने की आदत है तो ये टेस्ट उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। वो लोग जो डेंटिस्ट हैं, जो पैथोलॉजी या डायग्नोसिस सेंटर में टेक्नीसियन हैं या काम करते हैं, या जिनका रिसेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, तो ये टेस्ट उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लिए किस टेस्ट को करवाया जाता है। इसके लिए HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है। इस टेस्ट से हेपेटाइटिस बी वायरस की पहचान की जाती है। अगर HBsAg टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो चुका है। इसके साथ में डॉक्टर यूएसजी एब्रावन की भी सलाह देते हैं, जिसके कारण ये पता चलता है कि इस इन्फेक्शन के कारण लीवर पे क्या असर हुआ है, इसमें कितना डैमेज हुआ हुआ है, जैसे कि लीवर का साइज कितना बड़ा हुआ है, कितनी सूजन आई हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से हेपेटाइटिस बी की पुष्टि की जाती है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी के कई केस ठीक भी हो जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपना ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू करवा लिया है और किस डॉक्टर से शुरू करवाया है। इसके साथ में हर किसी को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि माँ से बच्चों को ये इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों होम्योपैथी में कई इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के केस में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आज मैं आपको उन्हीं मेडिसिन में से कुछ मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि हेपेटाइटिस बी में इस्तेमाल की जाती है। पहली मेडिसिन का नाम है चेलिडोनिया मेजस क्यू। ये मेडिसिन लीवर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है और इसका इस्तेमाल बड़े हुए लीवर के केस में और जॉइंटेस में किया जाता है। ये मेडिसिन मेडल टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। अगली मेडिसिन का नाम है कार्डस मेरिनस क्यू। ये मेडिसिन हेपेटाइटिस के केस में जी मिचलाना, उल्टी होने के केस में दी जाती है। इसके साथ में इसका इस्तेमाल पेट के राइट साइड में लीवर के एरिया में दर्द होने पे किया जाता है। इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल मेडल टिंचर फॉर्म में किया जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है नक्सवोमिका 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन जिन हेपेटाइटिस पेशेंट में हिस्ट्री होती है अल्कोहल लेने की, जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं जिसके कारण उनके लीवर में डैमेज होना शुरू हो जाता है, लंबे समय से अल्कोहल लेने के कारण लीवर में आई प्रॉब्लम के लिए नक्सवोमिका काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन मेडिसिन के अलावा भी कई मेडिसिन होती हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे कि थोजा, लाइकोपोडियम, कैल्केया का सल्फर और फासिटिला। ये सभी मेडिसिन आपकी समस्याओं के अकॉर्डिंग चूज की जाती हैं। दोस्तों लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हेपेटाइटिस बी के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके सिम्टम, वेट, एज और फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी केस टेकिंग लेके ही मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी समस्या के लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक हेपेटाइटिस बी के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ
उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।